दोस्तों बहुत लोगों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है, वो देखी जाती है कि जब उन्हें खांसी होती है तो खांसी के साथ साथ उनकी सांस भी फूलने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई जगह वो कफ सिरप लेते हैं, लेकिन कफ सिरप से कुछ खास फ़ायदा इससे नहीं होता है और खांसी लगातार होती है, कई दिन हो जाते हैं लेकिन खांसी ठीक नहीं होती है, साथ साथ सांस फूलने की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों को प्रॉब्लम देखी जाती है जिनकी उम्र 40+ है, वो ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है खांसी और सांस फूलने की, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किन दवाओं का इसमें इस्तेमाल होगा और वो दवाएं कैसे लेनी होगी। सिर्फ आप 4 खुराक से ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन सी दवाएं इसमें इस्तेमाल होंगी, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी है और साथ साथ सांस भी फूल रही है, उन्हें ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 4 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इन 4 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है डेरी फाइलिन रिटार्ड 150 mg टैबलेट। डेरी फाइलिन रिटार्ड 150 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती हैं, और इस 30 टैबलेट का जो प्राइस है वह है ₹36, यानी ₹36 ओनली। कंपनी इसे बनाती है जाइडिस कैडिला, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है इटोफाइलिन 115 mg, थियोफाइलिन 35 mg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, और इसकी आपको 4 टैबलेट लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो, ताकि इसे आपको परचेस करने में आसानी हो। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है एसीलॉक 150 mg टैबलेट। एसीलॉक 150 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इसे एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट होती हैं, और इस 30 टैबलेट का जो प्राइस है वह है ₹44, यानी ₹44 ओनली। कंपनी इसे बनाती है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है रेनिटिडिन 150 mg, और इसकी आपको 4 टैबलेट लेनी है। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो तीसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है नोवामॉक्स 250 mg कैप्सूल। नोवामॉक्स 250 mg कैप्सूल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इसे एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं, और इस 15 कैप्सूल का जो प्राइस है वह है ₹41, यानी ₹41 ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एमोक्सिसिलिन 250 mg, और आपको इसके भी 4 कैप्सूल लेने हैं। अब जो इसमें चौथी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है बेटनिसोल टैबलेट। बेटनिसोल टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इसे एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट होती हैं, और इस 20 टैबलेट का जो प्राइस है वो है ₹15, यानी ₹15 ओनली। कंपनी इसे बनाती है GSK, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है बीटा मेथासोन 0.5 mg, इसकी भी आपको 4 टैबलेट लेनी है। इसे भी इस नोट डाउन जरूर कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 4ों दवा आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दवाओं को लेना कैसे होता है। इन सब में से एक एक दवा लेनी है आपको सुबह, एक एक दवा लेनी है आपको शाम को, 4ों दवाओं में से। इस तरीके से लेना है इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ, और 2 दिन अगर आप ले लेते हो तो जो आपकी ये सांस और खांसी की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द और बुखार भी है तो ऐसी कंडीशन में आप इसी के साथ फिनेक प्लस टैबलेट यूज कर सकते हैं। फिनेक प्लस टैबलेट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इसकी आप एक टैबलेट उन दवाओं के साथ सुबह और एक टैबलेट उन दवाओं के साथ रात में सोने से पहले ले सकते हैं, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगर किसी की खांसी थोड़ी बहुत रह जाती है तो वो लोग परेशान ना हो, वो लोग एस्कोरिल LS सिरप यूज़ करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये दवा आप 10 ml सुबह 10 ml शाम को दोनों टाइम लें, आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप सांस फूलने और खांसी का इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दवाओं से क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, मैं आपको नॉर्मली फिर भी बता देता हूँ। जब आप ये दवाएँ लेते हो और लेने के बाद आपको दस्त लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको शूट नहीं हो रहा,
या फिर पेट में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको इशोट नहीं हो रहा, या फिर उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको इशोट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।